आम आदमी पार्टी ने बुधवार को बिजली दर में हुई वृद्धि के खिलाफ जेल भरो आंदोलन किया। इस दौरान संविधान चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा भी निकाला गया। तेज वर्षा होने पर भी पार्टी का आंदोलन आरंभ रहा। इस दौरान दर वृद्धि वापस लेने, शिवसेना के वादे के अनुरूप 300 यूनिट तक की दर 30% कम करने एवं दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली निशुल्क देने की मांग की गई। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि 1 अप्रैल 2022 से महावितरण ने बिजली की दरों में 20% वृद्धि की है। पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8 वर्षों से 200 यूनिट निशुल्क दे रही है, उससे अधिक उपयोग की दर भी काफी कम है, इसके बाद भी मुनाफा हो रहा है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भी 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली निशुल्क कर दी है। पार्टी के विदर्भ संयोजक देवेंद्र वानखेड़े एवं कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में कविता सिंगल, शंकर इंगोले, भूषण ढाकुलकर, डॉक्टर जाफरी, राकेश उराडे आदि शामिल हुए। हम लोगों ने जो आंदोलन किया था, आम आदमी पार्टी ने, बाद में इन्होंने भी आंदोलन किया था और ये बोलते फिर रहे थे लोगों को कि आप हमारे पास आना, बिल नहीं भरना, ये बड़े हुए वापस लो, एनडीए सरकार के खिलाफ काम नारा लगाए, निदर्शन किए, प्रोग्राम किए। अब क्या हो गया, ये दोगली राजनीति है, ये दोगली राजनीति है। सीखना है तो दिल्ली सरकार से सीखिए, जो 3 कार्यकाल से अपना पैसा बराबर दे रही है लोगों को मुफ्त बिजली। जनता त्रस्त असेल महागाई ने, गॅसचे भाव वाढले आहेत, धान्याचे भाव वाढले आहेत, भाजीपाल्याचे भाव वाढले आहेत, एकूणच लोकांना जीवन जगणे कठीण झालं असताना जे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस म्हणजे ते काय ईडीचं सरकार असं म्हणतायत, त्यांनी इलेक्ट्रिक ड्युटी वाढवली आहे। आमचं म्हणणं आहे की ही इलेक्ट्रिक ड्युटी तुम्ही परत घ्या आणि एकनाथ शिंदे म्हणतात आम्ही खरे शिवसैनिक आहोत, तर शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यामध्ये 300 युनिटपर्यंत घरगुती वापरासाठी 30% वीज स्वस्त करण्याचं वचन त्यांनी दिलं होतं, त्यांनी ते वचन पाळावं आणि सीएजीचं ऑडिट करून संपूर्ण वीज कंपन्या किती प्रॉफिटमध्ये आहेत, कुठे कुठे भ्रष्टाचार होत आहे, हे जनतेसमोर आणून वीज स्वस्त करावी ही आमची मागणी आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।